मध्यान्ह भोजन में खिचड़ी खाने के बाद कड़ी चावल खाकर घर पर गए बच्चे हुए बीमार, कर रहे अजीब सी हरकतें। जानकारी लगते ही SDM तहसीलदार महिला बाल विकास अधिकारी पहुंचे जिला अस्पताल, ली जानकारी। दर सिविल सर्जन और ड्यूटीरत डॉक्टर्स करीब 11 बच्चों का कर रहे इलाज। दमोह जिले के बांदकपुर मुरारी हलगंज गांव की आंगनवाड़ी में गुरुवार दोपहर मध्यान्ह भोज में खिचड़ी खाने के बाद कड़ी चावल खाकर घर पर गए करीब 11 बच्चों में से एक बच्चे को उल्टी होने पर सभी बच्चे अजीब सी हरकतें कर बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल बांदकपुर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए 108 से दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां आंगनवाड़ी में दर्ज सभी बच्चों का इलाज जिला अस्पताल के ICU और बच्चा वार्ड में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता जैन ने बताया कि खिचड़ी खाने के बाद कड़ी चावल एक बच्चे ने केवल खाए थे, जिसके बाद उल्टी होने पर सभी बच्चे अजीब सी हरकतें करने लगे और बीमार हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल लेकर आए। बीमार होने का कारण क्या है, यह सब पड़ताल फिलहाल की जा रही है। जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव के अलावा ड्यूटीरत डॉक्टर विक्रम पटेल ने सभी का इलाज कर भर्ती करवाया है। इधर कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देशन में SDM दमोह RL बागरी, तहसीलदार मोहित जैन, महिला बाल विकास अधिकारी संजीव मिश्रा के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने बच्चों के परिजनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। दमोह SDM श्री बागरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बच्चे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है और बारीकी स्तर से पड़ताल की जा रही है। आखिर बच्चों ने ऐसा क्या खाया है जिससे यह इस तरह की हरकतें और बीमार हुए हैं। अजीब टाइप की हरकतें बीमार बच्चों में गंभीर हालत में ऋषि का पिता मुकेश लोधी उम्र 5 वर्ष और बच्चा वार्ड में भर्ती भीकम पिता मुकेश लोधी उम्र 3 वर्ष, लोकेंद्र पिता नोने सिंह उम्र 3 वर्ष, कृष पिता महेंद्र सिंह 4 वर्ष, कार्तिक पिता महेंद्र सिंह 5 वर्ष, हेमेंद्र उर्फ नेक नारायण पिता विजय लोधी उम्र 6 वर्ष, रक्षा पिता कोरन लोधी उम्र 5 वर्ष, अन्नू उम्र 5 वर्ष, विष्णु पिता नन्ने आदिवासी उम्र 5 वर्ष, वैष्णवी नोने सिंह उम्र 4 वर्ष, स्वाति पिता हल्लू रेखवार उम्र 4 वर्ष, ये सभी मुराली हलगंज निवासी का इलाज बच्चा वार्ड में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है, सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। अभी कुछ बच्चों को लाया गया है हॉस्पिटल, सुनने में आ रहा कड़ी चावल खाए हैं तो एक दर्जन से अधिक बच्चे हॉस्पिटल आए हैं। हाँ, बीमार हुए हैं कुछ बच्चे, क्यों बीमार हुए हैं क्लियर नहीं है। तो क्या खाया था सर इन्होंने? आंगनवाड़ी में खाने खिचड़ी खाने के बाद चले गए बाहर और 1 घंटे से 2 घंटे के बाद बीमार हुए। किस जगह का मामला सर? ग्राम मुड़ारी। तो आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अभी स्पष्ट नहीं क्या क्यों का बीमार है, डॉक्टर साहब लोग रिपोर्ट देंगे तब देखेंगे। तो क्या लग रहा है ये डॉक्टर साहब लोग ही बता सकते हैं क्या मामला है, हम इस पर स्पष्ट जानकारी अपने को है नहीं। कोई नशीली सेवन हुई है कि कोई और चीज़ हुई? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कैसा क्या जानकारी होती है। कितने बच्चों की हालत अभी नाजुक है? सभी बच्चे ठीक है, एक बच्चा थोड़ा सा कम्फर्ट नहीं है। क्या नाम है सर? बच्चा भी अंदर, उसकी डिटेल हम ले रहे हैं। आपका क्या नाम? मैं संजीव मिश्रा। आपके द्वारा हॉस्पिटल आया गया, किस मामले को लेकर आए हैं? अभी एक मुड़ारी गांव है तो मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां से कुछ बच्चे आए हुए हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइजन वगैरह ले लिया है उन्होंने या किसी भी तरह ले लिया है, वो आए थे और उनको यहां एडमिट करवाया गया है और उनका इलाज जारी है। कितने बच्चे हैं सर? 11 बच्चे। तो कितनों की हालत नाजुक है? नहीं, नाजुक तो अभी नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई उन्होंने कहा कि बच्चे का इलाज चल रहा है और अभी ऐसी स्थिति नहीं। किस चीज़ का लोगों ने बच्चों ने सेवन किया है? अभी सेवन के बारे में तो कई चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है कि क्या है, जैसे क्लियर होगा तो आपको बता दें। सुनने में आ रहा कड़ी चावल खाकर बच्चे बीमार? नहीं, अभी वो क्लियर हो जाएगा कि हो सकता है बच्चे वहाँ से बाद घर भी जाते हैं या क्या कैसे है, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो क्लियर होने के बाद ही बताएंगे। सर कल के दिन कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी? यदि किसी की गलती पाई जाती है तो निश्चित होगी। क्या नाम है सर जी? क्या नाम है आपका? मैं SDM दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.